नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम विनिंग गुरुजी 1.0 में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे MAR वर्सेज STT ड्रीम 11 टीम ऑफ टुडे मैच। ECS T10 स्टॉकहोल्म का आज का सेकंड नंबर मुकाबला खेला जाएगा, उसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बैट्समैन, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयर को आप सी और VC के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसी कौन सी प्लेयर होंगी जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप मेगा कॉन्टेस्ट GL में एज ए ट्रम्प कार्ड पिक यूज करके चल सकते हो। तो संपूर्ण एनालिसिस आपको मिलेगा इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। और इस टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट GL की टीमें होंगी वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं गाइज एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा नॉसबर्ग क्रिकेट ग्राउंड, स्वीडन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है। साथ साथ देखो तो इस वेन्यू के ऊपर पेसर गेंदबाजों को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। वहीं इस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की बात की जाए तो 80 व 90 के राउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो। इसी के अंडर आपको ओवर स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी इस वेन्यू की जो भी फ्रेश पिच रिपोर्ट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी STT की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो उससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी STT की पॉसिबल प्लेइंग 11। इस टीम की तरफ से आप देखोगे तो कोसर अहमद आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखोगे तो ओपन कराने के लिए आए 12 रन बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया। सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 6 रन बनाए, 1 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया। तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके CVC भी ट्राई करके चल सकते हो। सौरभ सरकार की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में ये भी ओपन करने के लिए 7 रन बैटिंग के साथ किए, 1 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मुकाबले में भी बैटिंग में 10 रन की, 1 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। लेकिन थर्ड लास्ट मुकाबले में देखो तो 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 2 विकेट निकाल के दी। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए सौरभ सरकार GL वगैरह में रहेगी, तो GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से सौरभ सरकार को VC ट्राई करके चल सकते हो। फारूक अहमद की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए 20 रन की इनिंग खेली, साथ साथ 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मुकाबले में भी देखोगे तो 40 रन बैटिंग के साथ किए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। लेकिन फारूक अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके GL वगैरह में VC ट्राई करके चल सकते हो। आफीज हुसैन की बात की जाए तो लास्ट के 3 मुकाबलों में देखोगे तो फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, लेकिन आपके लिए GL में एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, कभी भी आपको एक बड़ी इनिंग खेल के दे सकती है। हुमायूं ज्योति की बात की जाए तो रिस्की पिक रहेगी, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। सातुल इस्लाम की बात की जाए तो लास्ट के 2 मुकाबले में देखो तो इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला है, उस कंडीशन में एक रिस्की पिक रहेगी, बाकी आप GL वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो। मौजूरुल अक्षय की बात की जाए तो लास्ट के 2 मुकाबलों में इनको भी बैटिंग का मौका नहीं मिला है, तो दोनों आपके लिए रिस्की पिक रहेगी, इस्लाम और अक्षय दोनों को आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ही ट्राई करके चला गई। रहमान की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट और थर्ड लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट और फोर्थ लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाल के दिए। तो रहमान आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप CVC भी ट्राई करके चल सकते हो। असरूफ असलम की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग सफलता नहीं मिली, थर्ड लास्ट मुकाबले में भी 1 विकेट निकाल के दिया। तो असरूफ असलम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला गई। वहीं बात की जाए आसिफ फोडर्स की, तो इनको लास्ट के 2 मुकाबलों में देखो तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों नहीं करवाई गई, उस कंडीशन में एक रिस्की पिक रहेगी, बाकी आप चाहो तो GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चल सकते हो। जाफरा उल्ला की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 विकेट और थर्ड लास्ट मुकाबले में फिर से विकेट लेस रहे थे, तो थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी, बाकी आप GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए STT की बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है। साथ साथ जो भी हमारी फाइनल टीम होगी, जो भी फाइनल अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो टेलीग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी MAR की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस सीजन इन्होंने 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबला वोन करके आ रही है, वहीं एक मुकाबला लॉस करके आ रही है। इस टीम की तरफ से आपको शेर अली है वो ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 4 रन बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 37 रन बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 2 विकेट निकाल के दिए। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए शेर अली रहने वाली, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप CVC भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी सुरेंद्र की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 41 रन की काफी लाजवाब इनिंग खेली। इंपॉर्टेंट पिक आपके हरिंदर रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। सुलेरी की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए 5 रन बैटिंग के साथ किए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया। सेकंड लास्ट मुकाबले में भी 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली और बैटिंग में भी 1 रन बनाए। लेकिन कुल मिला के आपके लिए एक ओवरेज सी पिक रहेगी, कंप्लीट आपको 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे तो GL वगैरह में जरूर से ट्राई करके चलना। सुमो लीग में भी आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। शायद मुस्तफा की बात की जाए तो लास्ट मैच में देखते हो 53 रन की काफी लाजवाब इनिंग इन्होंने खेल के दी, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी और इस मैच में आपको ओपन कराते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। विम उल्ला की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में बैटिंग का मौका मिला, नंबर 5 पे आए लेकिन अपना खाता नहीं खोल पाए, रिस्की पिक रहेगी। बाकी आप GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। आसिफ लोन की बात की जाए तो ये भी रिस्की पिक रहेगी, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, बॉलिंग ये डालते नहीं, उस कंडीशन में आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चला गई। आजम रज्जा की बात की जाए तो इस मैच में आपको प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे। T10 में देखो तो 19 मुकाबलों में इन्होंने 44 रन बनाए, 30 ओवर की बॉलिंग डालती हुई 15 विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रज्जा रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला गई। सोहिल खान की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में देखो तो बॉलिंग डाली नहीं, 1 रन बैटिंग के साथ किया, सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया। तो कुल मिला के आपके लिए एक ओवरेज सी पिक रहने वाली, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। इस्लाम अली की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। बाकी आप GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। असलम अत्ता की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया, ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं सैयद अली बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में प्ले नहीं किया, सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, 0 विकेट निकाल के दिया। कुल मिला के आपके लिए एक रिस्की सी पिक रहेगी, बाकी आप GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। MAR के बैचेज में जो भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइज अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है। साथ साथ गाइज देखो तो ये तो हो गया हमारा दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की टीम गाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज विकेट कीपिंग सेक्शन में A.R. इम्तियाजी लास्ट के 2 मुकाबलों में नहीं खेले, अगर खेलेंगे तो आपको ओपन करवा के देंगे तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। हुमायूं ज्योति को आप सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, फॉर्म भी इतनी अच्छी खासी नहीं चली है। S. मुस्तफा आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में मस्ट हैव पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप GL वगैरह में चाहो तो VC भी ट्राई करके चल सकते हो। S. खान को आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में कवर करके चला। बैटिंग ऑर्डर में बात की जाए तो A. हुसैन का फॉर्म है वो ठीक ठाक चल रही है, आपके लिए एक ओवरेज सी पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। आफिस फ्रीडोस की बात की जाए तो ये भी आपके लिए एक ओवरेज सी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। बाकी आप GL वगैरह में अपनी टीम में जरूर से कवर करके चला गाइज। वाकई सुरेंद्र की बात की जाए तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, कंप्लीट आपको 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, साथ साथ आपको ऊपर बैटिंग कराते हुए मिल जाएंगे, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो CVC भी ट्राई करके चल सकते हो। सौरभ सरकार आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए कोसर अहमद की तो ये भी आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे, तो दोनों पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, दोनों प्लेयरों को आप चाहो तो GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में VC भी ट्राई करके चल सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए तो F. अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। H. सुलेरी भी आपके लिए ओवरेज सी पिक रहने वाली है, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। S. अली आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, साथ साथ एक्सेप्ट CVC की चॉइस रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला गई। भाई अक्षय की बात की जाए तो थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी, GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप ट्राई करके चल सकते हो। वहीं साथ साथ बात की जाए D. Sain की तो ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहने वाली, इस मैच में GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से CVC ट्राई करके चल सकते हो, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एवं ट्रम्प कार्ड पिक इस मैच में रहने वाली है। और स्मॉल लीग वो आपको 1 साइड विन करवा के देंगे, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। S. असलम को आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चला, स्मॉल लीग वगैरह में आप सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में बात की जाए तो S. चौधरी मुकाबले नहीं खेल रहे हैं। वहीं बात की जाए S. रहमान की तो पिक आपके लिए रहेगी और साथ साथ एक CVC की चॉइस रहने वाली है, तो जरूर से ट्राई करके चला। A. अत्ता की बात की जाए तो ओवरेज सी पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। लास्ट मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट पिक भी आपके लिए रहेगी, जरूर से ट्राई करके चला। A. रज्जा आपके लिए इंपॉर्टेंट एवं ट्रम्प कार्ड पिक इस मैच में रहने वाली, तो सीधा अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो गाइज। बाकी नीचे की पिक की बात की जाए तो एस जड हुल्ला आपके लिए ओवरेज सी पिक रहेगी, जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। A. आलम इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली इस मैच में, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके GL वगैरह में VC भी ट्राई करके चल सकते हो गाइज। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो गाइज जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो फाइनल टीम होगी, जो फाइनल अपडेट होगी वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइज कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फिलहाल के लिए एस अली को मैं अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करके चलाऊँ, एफ अहमद को वाइस कैप्टन ट्राई करके चलाऊँ। बस वही बात की जाएगा डी सैन की, तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में इस प्लेयर को जरूर से सीवीसी ट्राई करके चला। एस रहमान को भी आप चाहो तो जीएल और समोली के दोनों कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। हालांकि लास्ट के दोनों मुकाबलों में देखो तो बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। बाकी बात की जाए यहाँ पे एस मुस्तफ़ा की, तो ये भी आपके लिए सीवीसी के एक बढ़िया चॉइस रहेगी, जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए वाकई सुरेंद्र आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, तो इस प्लेयर को भी आप सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए कोसर अहमद की, तो कोसर अहमद भी आपके लिए जीएल वगैरह में वीसी के एक बढ़िया चॉइस रहने वाली है। गाइज टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो गाइज देखो तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है। जो फाइनल टीम होगी वो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस टीम में और जो फाइनल टीम में आपको एक या दो चेंजेस वो जरूर से देखने को मिल जाएंगे, तो फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। गाइज अगर आपको स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।